हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज माय फर्स्ट व्लॉग ऑन दिस चैनल। अभी तक हमने सारी एजुकेशनल वीडियोस बनाई थी, बट मैं अभी जो अपने प्रिपरेशन कर रही हूँ उस सारी चीज़ों को आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सो आई स्टार्ट व्लॉगिंग ऑन दिस चैनल। उसी के साथ हम सारी इन्फॉर्मेटिव शॉर्ट्स को भी अपलोड करेंगे डेली बेसिस पे, ताकि हम अवेयर रह सके। तो आज का जो वो व्लॉग है वो होने वाला है कि मुझे कल अपने घर जाना है। मैं पीजी में अभी रह रही हूँ थोड़े दिन से, और मैं लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई करती हूँ। तो जब मेरे को घर जाना है तो मैं कैसे चीजों को मैनेज कर रही हूँ और पढ़ाई को कितना आर्स दे पा रही हूँ। आर्स 9 घंटे की या 10 घंटे की पढ़ाई मैं ऐसे बिजी शेड्यूल में कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। सो दिस व्लॉग इज ऑल अबाउट, सो स्टे ट्यून्ड। जो है वो अपने ब्रेकफास्ट और लंच की तैयारी अभी से करके रख देती हूँ, ताकि उसको सिर्फ 5 मिनट लगे, उसे 5 मिनट्स लगेंगे। और ये मेरा ब्रेकफास्ट और लंच जो है वो दोनों रेडी हो जाता है। ये बहुत हेल्दी है, लाइट है। उसी के साथ अभी देखिए मेरा जो डिनर है वो भी रेडी हो चुका है बिल्कुल। तो यहाँ पे मेरे दोनों काम हो गए हैं, तो पैकिंग मेरी पूरी हो गई है। ज़्यादा कुछ नहीं है, 5 मिनट ही लगे, बट फिर भी मैं वो कल वाला टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो सुबह 4 बजे हुए यहाँ पे, और मैं बाहर आ गई हूँ रूम में। मैंने इसलिए शूट नहीं किया बिकॉज दीदी सो रहे थे, मेरे रूममेट, तो मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। और मुझे भी रात को लेट ही नींद आई थी, इतनी जल्दी नहीं आई थी, तो मेरे को भी ऐसे लग रहा है कि यार नहीं, सो जाना चाहिए था। फिलहाल मुझे गर्म पानी करना लगा। तो मैं नहा चुकी हूँ, 4:45 बजे के अराउंड का टाइम हो रहा है। आज मैंने एक्सरसाइज नहीं किया, स्किप कर दिया बिकॉज टाइम थोड़ा कम था ना, इस वजह से। तो मैं सोचा कि चल एक्सरसाइज छोड़ देते हैं। अभी मैं मेडिटेशन करने जा रही हूँ। मेडिटेशन हो गया, कान्हा जी को उठा दिया मैंने, ब्रेकफास्ट कर दिया, जो रात को मैंने सारे प्रिपरेशन की थी अब बस उनको एग्जीक्यूट करने का टाइम है। 5:05 के अराउंड हो चुके हैं, 5:07 के अराउंड आई थिंक, और 5:30 में मेरे को किसी भी हालत में निकलना है। तो चलिए जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं और अपनी लाइब्रेरी के लिए निकलते हैं। हे गाइस, मैं जा रही हूँ लाइब्रेरी में। 15 मिनट में लेट हो चुकी हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी लेट होना। बट इट्स अ वेरी कूल मॉर्निंग, वेरी 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 ब्यूटीफुल, लेट्स शो यू। लुक हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स। बिल्कुल शांति है, कोई कुछ नहीं, बस आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़े जा रहे हो। इट्स अ ग्रेट फीलिंग। फर्स्ट टाइम मैं लाइब्रेरी में इतनी जल्दी आ रही हूँ, तो मुझे थोड़ा डर भी था कि यार ज़्यादा जल्दी ही तो नहीं है या फिर मतलब कुछ सेफ्टी वाइज का इशू नहीं होगा। एवरी थिंग इज़ फाइन। हालांकि मैं 15 मिनट लेट हो चुकी हूँ, जो कि नहीं होना चाहिए था मेरे को, बट स्टिल यार घर जाना था तो सारी चीज़ें मैनेज करके आ रहा था। मैं स्पेक्स भी पीजी पे भूल आई हूँ, तो मुझे दोबारा जाना पड़ेगा लेके लिए। पर मैं लाइब्रेरी में चल के देखते हैं कि क्या सीन है। पूरी तरह लिटरली सिर्फ एक लड़का कहीं कोने पर बैठा हुआ मुझे दिखाई दिया, वरना कोई नहीं है। तो एक भी मुझे अच्छी फीलिंग आ रही है कि हाँ, पूरे दिन जब आप शुरू होता है तो आप औरों से जो हैं वो अपडेट हैं, आगे है, तो इट गिव मी अ गुड फीलिंग। चलिए अब अपना मेन काम शुरू करते हैं, पढ़ाई का। फर्स्ट जो है, मतलब मैंने अपने टारगेट्स बना रखे हैं कि कैसे कैसे चीज़ें करनी है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं एंशिएंट इंडिया से शुरू करूँ, क्योंकि मुझे मॉक वैसे ही देना है। आप यहाँ पर देखेंगे कि ये मेरी फ्रंट वॉल है टेबल के सामने। तो यहाँ पे मैंने टारगेट्स लगा रखे और उसके नीचे मैंने कैलेंडर लगा रखा है। ये किस लिए है कि बेसिकली जब भी मेरा कोई टारगेट अचीव होता है, लाइक कि कोई भी चैप्टर मेरा कंप्लीट हुआ,
तो पहले मैं इसको देखती हूँ कि हाँ भाई जो है वो सही है या नहीं, और फिर मैं उसको कट कर देती हूँ ऐसे, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि ये मैंने 5 चैप्टर कर लिए तो मैंने इसको कट कर दिया। उसी के साथ जो नीचे कैलेंडर है तो उससे मेरे को पता चलता रहता है कि भाई कितने दिन अभी बाकी हैं। जैसे 7 तारीख हो चुकी है, आज 8 तारीख है, तो मैंने 8 तारीख को कट कर दिया। तो उससे आपको एक सेंस ऑफ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि आपके पास दिन कम है। तो इट्स अराउंड 1 आवर जब मैंने पढ़ना शुरू किया है। 5 चैप्टर्स मेरे एंशिएंट इंडिया के पूरे हो गए हैं, जो कि मेरा टारगेट था। तो अभी मैंने 5 मिनट्स का ब्रेक लिया, मैं गर्म पानी पीने आई हूँ, बिकॉज़ अभी भी मेरे को थोड़ी नींद आ रही है, रात को सो नहीं पाई थी। तो 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दोबारा आई थिंक मैं इकोनॉमी से शुरू करूँगी। मुझे 2 चैप्टर आज टारगेट अपना पूरा करना है, तो देखते हैं वो कितने आवर्स में होता है। देखिए, आवर्स में अटेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है कि टारगेट पूरा हुआ या नहीं हुआ। तो पहला टारगेट मेरा पूरा हो चुका है। पॉइंट 5 आवर्स मतलब अराउंड 1.5 घंटा जो है वो मुझे हो गया है इकोनॉमी शुरू करें, बट इकोनॉमी हो नहीं रही है। अभी 1.5 ही चैप्टर हुआ, जबकि मुझे आधा चैप्टर अभी भी मेरा रहता है करने के लिए। तो बट मुझे बहुत नींद आ रही थी, बहुत जल्दी उठ गई थी, नींद बिल्कुल पूरी नहीं हुई है, तो मैं फ्रेश फील नहीं कर रही थी। जैसे मैं चाय पीने आई हूँ बाहर, लंच करूँगी, भूख भी लग रही थी। उसके बाद मैं वो 1/2 चैप्टर करूँगी, देखते हैं कितना टाइम लगता है टारगेट वो करना ही है पूरा, क्योंकि 4 बजे बस है और मुझे जाना भी है। तो लेट्स सी। सो फाइनली माई इकोनॉमी इज़ डन, 2 बड़े बड़े चैप्टर्स मैंने पूरे किए हैं। सो अ थम्स अप फॉर मी। सो आई एम नाउ स्टार्टिंग मिडीवल इंडिया। मिडीवल इंडिया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, बट अब मुझे बहुत इंटरेस्ट आने लगा और ये मेरा फेवरेट। सो मिडीवल इंडिया के जो है वो आज मैं 2 बड़े चैप्टर्स करने वाली हूँ। फर्स्ट इज़ रिलेटेड टू दिल्ली सुल्तानेट एंड सेकेंड ऑफ विजयनगर एम्पायर। एक्चुअली जो मुझे मॉक देना है उसमें एंशियंट इंडिया ऑलमोस्ट कम्प्लीट, मिडीवल इंडिया ऑलमोस्ट कम्प्लीट, और कल्चर जो है उसका बहुत मेजर पोर्शन है। इस वजह से मैं इनके ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा इसको कवर करने की कोशिश भी कर रही हूँ। एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद कल्चर ऑफ इंडिया। इंडियन पेंटिंग्स मुझे करनी है आज कम्प्लीट। यहाँ सो फर्स्ट आई एम लुकिंग एट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कि कितने क्वेश्चंस आ रखे हैं। जैसे कि आर्किटेक्चर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे, बट इससे नहीं है, तो उसी अकॉर्डिंग जो है वो मैं इस चैप्टर को इम्पोर्टेंट। सो विद दिस ब्यूटिफुल मैप मेरा इंडियन पेंटिंग्स यहाँ पे फिनिश होता है। तो यहाँ पे पेंटिंग्स को मैं कट कर देती हूँ, क्योंकि मेरा हो गया। एंशियंट के जो आज के टारगेट में चैप्टर 11, 12 है वो मैं नहीं कर रही हूँ, बिकॉज मैं पहले ही 5 चैप्टर्स जो है वो पहले के टारगेट के कर चुके हूँ। मतलब 3 चैप्टर आज के मेरे एक्स्ट्रा हो चुके हैं, तो मैं इसको स्किप कर सकती हूँ या फिर मैं इसे बाद में करूँगी। अभी जो मैं करूँगी तो वो शायद, क्योंकि मैं ये पहले कर चुकी हूँ एंशियंट का पोर्शन, तो मैं इन्वायरमेंट और जो पॉलिटी है स्टेट गवर्नमेंट उसको कंप्लीट करना शुरू करूँगी और उससे टारगेट पूरा करूँगा। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम मैं आज कंप्लीट करूँगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। टोटल यहाँ पे मुझे 20 पेजेस दिखाई दे रहे हैं, तो बहुत इजी टारगेट और ये हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्वेटिक मेरा पूरा हो गया, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट बचा और मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा। मुझे बहुत खुशी हो रही है, 8 अप्रैल का टारगेट पूरा हो गया है। अभी मैं आपको कंक्लूजन बताऊंगी आज के दिन का क्या रहा, तो स्टे ट्यून्ड। मैं आ गई थी फिर, मेरा लाइब्रेरी का टाइम पूरा हो गया था, तो मैं सोचा कि मैं आधा घंटा नैप ले लूँ, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। तो मैंने आधा घंटा नैप ले लिया, अभी भी आधा पौना घंटा मेरे पास है रिमेनिंग जाने के लिए। तो मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे जो मेरे पास बुक है करंट अफेयर की, मैं वो थोड़ा एक्स्ट्रा कर लेती हूँ, ताकि घर पे जाके या फिर अभी जब मैं बस में ट्रैवल करूँगी मुझे पढ़ना नहीं पड़ेगा। सो इट्स अ विन सिचुएशन, क्योंकि मैंने अपना टारगेट आज पूरा कर लिया है। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। ऐसे
ये व्लॉग्स जो है वो मैं और भी अभी अपने चैनल पे डालूंगी, तो इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन जरूर क्लिक कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, एंड ऑल द बेस्ट एंड हैव अ ग्रेट सक्सेस फॉर योर ड्रीम। थैंक यू सो मच।